इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय फैमिली, कैसे हो आप लोग? वीकेंड इज हियर और हम आए आपके पास नई रेसिपी लेके। आज हम बना रहे हैं नाचोस। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाएं। अगर आप पहले से हो तो प्लीज, अगर आप भूल चुके हो तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और लाइक करें अगर आपको रेसिपी पसंद आए। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहले लेंगे 2 कप मकाई का आटा जो हमने घर में पीसा हुआ है वो। फिर हम 1 कप गेहूं का आटा लेंगे और अब इसे हम छान देंगे। अब हम सॉल्ट डालेंगे एज पर टेस्ट। फिर हम डालेंगे अजवा, अजमा एज पर टेस्ट ऑल्सो, और अजमा नहीं डालना तो इट इज ऑप्शनल। और अब हम ऐसे डालेंगे और अब हम थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। हमने पहले केटल में कर दिया था इसलिए हम वो डाल रहे हैं। और अब हम इसे नीट करेंगे। पानी डालते रहना पर थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो फिर ऐसा हुआ कि क्वांटिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। सो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना। अब ये ऑलमोस्ट हमारा डो बन चुका है और हमें इसे पराठे की तरह ऐसे बांधना है, एकदम मस्त नरम नरम, पर रोटी जितना एकदम सॉफ्ट नहीं, पराठे जितना करना है, ठीक है? और अब हम इसे बेलेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने लोए बना दिया है। अब हम इधर फ्लोर को डस्ट कर रहे हैं और अब हम इसे पेठा जैसा बना रहे हैं और अब हम बड़ा बेलेंगे। हमें नाचोस बनाना है तो बड़ा बड़ा बेलना है एकदम। A few moments later, हमने बटर पेपर लिया, हमने रोलिंग पिन से रोल कर दिया है। अब हम इसे ड्राई होने देंगे 15 मिनट्स तक, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। मैं बताऊंगी कैसे कट करना है, क्या करना है, ठीक है? तो 15 मिनट्स के बाद मिलते हैं। हमने अभी इसको ड्राई हो दिया है, मतलब अच्छे से कर लिया है 15 to 20 मिनट्स। अब हम इसे कट करेंगे। कट कैसे करना है बताए? ये पोर्शन का ऐसे सिर्फ बड़े बड़े ऐसे पहले लाइंस बनाना है। अब ना ट्रायंगल में कट करना है, तो एक स्लांट ऐसे करना है, फिर ये ऐसे, फिर ये टोटला ऐसे, ये टोटला ऐसे। आप देख सकते हो कि कैसे ट्रायंगल्स कट हो चुके हैं। अब हम वैसे ही सब कट करके आपको दिखा देते हैं। ये एक्स्ट्रा है उसे साइड छोड़ दीजिए। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें नाचोस डालेंगे, जो चिप्स हमने किया है वो। थोड़े थोड़े ही डालना सो दैट इसको अच्छे से स्पेस मिले फ्राई होने के लिए। और फिर तुरंत जब तेल एक्चुअली आ गया रहता है ना, तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा इसको हीट नहीं करना क्योंकि फिर वो ब्राउनिश हो जाएगा। तुरंत ही इसका ऐसे कर लेना है फ्लिप, और फिर एक बार आपको लगे कि ये हो गया है तो उसको टर्न कर दीजिए और फिर निकाल दीजिएगा। इसको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे और ये हमारे नाचोस चिप्स रेडी है। अब हम वैसे ही दूसरे बैच भी कर देंगे। What?